नमस्कार दोस्तों, एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोले टेलीविजन। मैं आपको दिखाऊंगा आज एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अब देखिए, ये सैमसंग का सेट है। देखिए, सैमसंग 32 इंच का एक एलईडी टीवी है। आप पहले अच्छे से देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, मैं इसको पावर ऑन किया। देखिए क्या स्क्रीन में क्या होता है। देखिए देखिए देखिए, अच्छा से देखिए देखिए। इसका बाद देखिए, प्लीज वॉच द वीडियो। देखिए, एक मिनट देखते रहिए। देखिए, मैं आपको देखने की कोशिश करूंगा। देखिए 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 क्या सिचुएशन होता है। अब देखिए देखिए, प्रॉब्लम को अच्छा से वॉच करिए। देखिए देखिए क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है दोस्तों, देखते रहिए लास्ट में स्क्रीन में क्या होता है। देखते रहिए। ऐसा ही रुक जाता है। पहले जो मल्टी कलर हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, आने का बाद ये वर्टिकल ब्लैक लाइन भी है उसका साथ। देखिए, और कुछ है, हॉरिजॉन्टल भी है, दोनों भी है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, ये रिपेयर होगा नहीं होगा। मैं भी कंफ्यूज है, ये रिपेयर होगा नहीं होगा, इसके प्रॉब्लम क्या है। तो सॉरी दोस्तों, अभी पास मेरा टाइम कोई, मेरा पास कोई आदमी नहीं है। लॉकडाउन का वजह से कोई आदमी मेरा पास ऑफिस में नहीं काम में आता है। तो वो जो कैमरा शूट करता हूँ वो मैं खुद ही करता हूँ, काम भी मैं खुद करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड मैं पॉज करता हूँ, फिर काम बैक आ जाएंगे। एक सेकंड। हाँ देखिए दोस्तों, वो जैसा ही था ऐसा ही है। वो मैं इसको जो रिम था वो रिमूव करने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम पॉज किया है। तो अब देखिए इसका पूरा जो सिंगल स्केलर है, देखिए सिंगल कॉफ है, सॉरी सिंगल स्केलर नहीं, सिंगल कॉफ है। इसका त्रिकोण जो बेसिक वोल्टेज है वो भी जेनरेट होता है, मैं देखा। इससे मैं ज़्यादा टाइम मैं नहीं स्पेंड करूँगा, तो आपको पिन पॉइंट में चला जाता हूँ। आप देख सकते, देखिए होता है क्या। अब यहाँ से आप देखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए पैनल का जो ग्लास साइड है इसको बर्न हो गया। एक्चुअल इसको बर्न होने का वजह से ये प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ पर स्पॉट आ गया। मैं कैमरा से आपको देखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। देखिए, अब देखता है ना। देखिए दोस्तों, ये इसको बर्न हो गया, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये मेरा जो ब्रेन है वो बोलता है ये रिपेयर होगा, आप कोशिश करिए रिपेयर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ मैं इसको रिपेयर करूँगा। आप भी आशीर्वाद करिए, मैं ये रिपेयर करूँगा। लेकिन ये रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, केयरफुली ये काम करना पड़ेगा। इतना लॉन्ग टाइम वीडियो कैसे मैं अपलोड करूँगा। रेडी होने के बाद
मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको डिटेल्स इसका बारे में दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मेरा जो ब्रेन है वो बोलता है रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके रखिए ये वीडियो। ये जो जॉब कंप्लीट होने के बाद ही मैं अपलोड करूँगा, आपका पास नोटिफिकेशन चले जाएंगे, आप तुरंत ये देख पाएंगे। ओके एवरीबॉडी, वेलकम।